भाई और बहनों, गांधी जी और विनोबा जी का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उनकी बातों का कितना अनुसरण किया इसकी सच्चाई भी आप जानते हैं। साथियों, स्थिति ये है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कहकर के आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे, मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उनको जंगलों में जाना पड़ता था, और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम का, श्रम का अपमान करने वाले ऐसे जातिवादी लोगों का जवाब इस चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी सजा करोगे कि नहीं करोगे?